मेरा नाम श्रीमती कल्पना जैन है। मेरे पति का नाम श्रीमान राजन जी जैन है। मेरा ग्राम संगोड़ी, जिला छिंदवाड़ा और कबीर चौक। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के प्रवचन शांति के लिए परम उपयोगी और हितकारी है। ऐसे आकुलता दूर कर सहज सुखों को प्रकट करने वाले संतों के भवों संत अनुभव कर सकते हैं। इस ग्रंथ में अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा का वर्णन है। आत्मा तीन प्रकार की होती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। इस प्रकार आत्मा तीन प्रकार समझने चाहिए। जीव अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान कर और भ्रांति रहित होकर बहिरात्मा का त्याग करता है। जो मिथ्या दर्शन से मोहित जीव परमात्मा को नहीं समझता, उसे जिन भगवान ने बहिरात्मा कहा है, वह जीव पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण करता है। समय ने समझा, आत्मा ने समझा। समय को समझा, जिन माणी को समझा। समय के द्वार समझा, निर्ग्रंथ गुरुओं के द्वारा समझा। समय के लिए समझा, रत्नत्र धर्म की प्राप्ति के लिए समझा। समय से समझा, आयु क्षीण होने के पहले समझा। समय में समझा, निज आत्मा में समझा। बस यही समय सार है। मनुष्य जिन्होंने समझा है वे योगी राज है, और जो समझ गया है वह योग सार है। इतनी सी काम्य भाषा में अध्यात्म का सार अत्यंत दुर्लभ है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का विवेचन करते हुए मुनि श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा प्रवचन में स्थान स्थान पर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। कांटों में उलझी पूंछ के बालों की रक्षा या प्राणों की रक्षा, बहिरात्मा विषय रूपी बाल की रक्षा के पीछे प्राण सिंधु समाप्त कर देता है। घास को दूध में परिवर्तित करने की शक्ति गाय में ही होती है। इस शक्ति को हमें विकसित करना चाहिए। इस तत्व को मुनिश्री ने मिथ्या त्याग कर सम्यक ग्रहण करने की प्रेरणा देते हुए कहा है। सम्यक से सुक्त, ज्ञान से ख्याति, उच्चारित से पूजता और तीनों मिले तो सुतत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञानी जीव का लक्षण यही है। सद्भाव है या अभाव है, स्वभाव से रहे वह परमात्मा को निर्मल निष्कलंक शुद्ध रूप में जाने, फिर उसे निज विष्णु बुद्ध से ऐसे भिन्न भिन्न अपेक्षा से माने। अतः शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है, यह समझाया गया है। जय जिने